जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के दिए हमारे जो होते हैं ये पानी से जलने वाले दिए हैं, ये मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलेगा। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, तो जैसे ये आपका दिया है इसमें आपको तेल बाती कुछ भी नहीं लगाना है, बस इसमें क्या है पानी यहाँ डालेंगे और पानी डालते ही हमारा दिया ये जलने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे हम दोनों यहाँ स्क्रू लगे इस पर टच करेंगे तो ये हमारा जलने लगेगा। सेम अगर इसमें हम पानी डाल देते हैं तो हमारा दिया ये जलने लगेगा। अब भाई, अब मार्केट में कोई सामान आया है तो ख़राब तो होगा ही, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका ये दिया ख़राब हो जाता है तो कैसे आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी दिखाएंगे इस दिए के अंदर क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ हमारे पास कई दिए हैं, लेकिन ये सब दिए हमारे सही हैं। सही की पहचान कैसे करना है, अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो भी आपको क्या करना है, दोनों स्क्रू के ऊपर आपको इस तरह से उंगली रखना है और आपका जो ये दिया है ये जलने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर भी रखेंगे तो ये आपका दिया जलने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा दिया है इस पर हमारा उंगली रखने से हमारा दिया नहीं जल रहा, मानी यानी हमारा ये दिया ख़राब है। अब इसको रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको निशान नज़र आएगा। देखिए इस तरह से आपको निशान नज़र आएगा, तो यहाँ आप चाहे नाखून से या कोई आपके पास कोई ऐसा औजार हो उससे आप इसे बड़े आराम से यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैं नाखून से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नाखून हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ टूल का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे धीरे धीरे यहाँ से चारों ओर से इसे खोल दिया, ठीक है। अब खोलने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्यों नहीं जल रहा है, इसका भी मेन कारण तो यहाँ मिल गया, हमारा सेल नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ पे सेल लगा होता है, एक LED यहाँ आपको देखने को मिले जो हमारे सामने दिखता है जलता हुआ। इसके बाद यहाँ एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा, और एक कंपोनेंट यहाँ और लगा है जो BC547। अब इसकी सर्किट कैसे बनाई गई, देखिए इसका जो बेस है यहाँ एक स्क्रू पे सोल्ड कर दिया गया, ठीक है, बेस को सोल्ड कर दिया गया। अब एक कलेक्टर पे जो इसका ट्रांजिस्टर का BC548 का कलेक्टर जो है, ये कलेक्टर पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, यानी दूसरे स्क्रू पे हमारा रेजिस्टेंस का ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। इसके बाद इमीटर से हमारा यहाँ पर आउट हो रहा है, और एक सप्लाई हमारे यहाँ डायरेक्ट यहाँ इस पर लगा हुआ है, अब सेल हमारा यहीं पे लगना है। अब दोस्तों यहाँ आप सबसे पहले मान लीजिए हमारा सेल गिर गया, ठीक है, सेल गिर गया तो कॉमन सी बात है, बहुत नॉर्मल फॉल्ट है, सेल आप कोई भी निकालेगा और लगा देगा। लेकिन यहाँ 3 सेल लगे हुए हैं, तो अब सेल को हम चेक करेंगे हमारा एक सेल कितने बोल्ट का ये है, तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मल्टीमीटर हम ले लेते हैं, तो मल्टीमीटर को हम रखेंगे यहाँ DC 20 वोल्ट के रेंज में, ठीक है। 20 वोल्ट के रेंज में रखने के बाद इसका जो ये सामने वाला चौकोर हिस्सा होता है ये होता है प्लस, और बीच में वाला होता है माइनस। तो प्लस को हम लाल पे यहाँ लगा देंगे और यहाँ माइनस को इस तरह से रख देंगे, तो आप देख सकते हैं 1.48 यानी 1.5 वोल्ट के आसपास ये हमारा सेल है। तो तीनों सेल मिला के हमारा हो गया यहाँ आपका 4.5 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, अब सेल अगर यहाँ उल्टा आप लगा देते हैं तो ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ सीधा लगाना है। सीधा लगाने के लिए अब आपको एक चीज़ और देखना होगा, आपका यहाँ कौन सा पॉइंट माइनस है कौन सा प्लस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मल्टीमीटर को आप रख लीजिए बजर के रेंज में, या अगर आपको पता है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस तो आप लगा सकते हैं, नहीं अगर पता है तो आप मल्टीमीटर लीजिए और यहाँ पर दोनों इस आपका जो LED है इस पर दोनों पॉइंट पे आपको मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रखने के बाद इस तरह से यहाँ चेक करना है। अगर नहीं बताया तो मल्टीमीटर का प्राड हम पलट देंगे, पलट देने के बाद अब देखेंगे आप, तो हमारा जैसे ही यहाँ मैंने पॉइंट लगाया तो हमारा ये दिया जल गया, ठीक है, हमारा जो LED है वो जलने लगा। अब यहाँ ये पता हमको लग गया कि जहाँ हमने ये माइनस वाला वायर रखा वो हमारा माइनस हो गया, जहाँ प्लस रखा है वो प्लस हो गया, यानी हमको ये माइनस पता चल गया। अब प्लस सप्लाई हमारी जो है यहाँ से ट्रांजिस्टर के द्वारा बेस बाइसिंग बना के हमको इस LED पे दिया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा सेल है देखिए ये बाहर वाला प्लस है और अंदर वाला जो छोटा वाला पॉइंट है ये
माइनस है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस पॉइंट है, तो सेल को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ प्लस की साइड में, इस साइड में रखते चले जाएंगे। सारे सेल हमारे सीरीज में रखे जाएंगे तब हमारा ये सेल हो जाएगा 4.5 वोल्ट, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें सारे सेल को लगा देना है। तो अभी सभी सेल को हमने लगा दिया, अब सभी सेल लगाने के बाद अब इसे हम एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों पॉइंट पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो अभी हमारा जो एलईडी है वो तुरंत जलने लग, देखिए यहाँ पे जैसे हम हाथ रखेंगे वैसे हमारा एलईडी जलने लगेगा। अब दोस्तों मान लीजिए मल्टीमीटर आपके पास नहीं है, तो सेल को आप मतलब लगा के चेक कर लीजिए, उल्टा लगा के चेक कर लीजिए, सीधा लगा, अगर नहीं जलता है तो उसके बाद इसमें या तो आपका एलईडी ख़राब होगा या BC547 ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। रेजिस्टेंस ख़राब होने का यहाँ कोई चांस नहीं है, क्योंकि उतना यहाँ लोड नहीं है कि रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए। हाँ अगर सड़ जाता है तो ये ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आप ये पानी वाले दिए को बड़े आराम से, अगर आपका ख़राब हो जाता है तो बड़े आराम से आप घर पे बना सकते हैं, मतलब रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हम पानी डालेंगे तो हमारा ये दिया काम करेगा। तो आइए हम थोड़ा सा पानी डाल के आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं पानी डालूँगा हमारा दिया, अब देखिए जैसे ही मैंने पानी डाला यहाँ दिया हमारा काम करने लगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।